फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉन्टैक्ट नंबर को जो है जीमेल आईडी पर सेव कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लेना है। डायल पैड को ओपन कीजिए। अब डायल पैड में आपको कोई भी एक नंबर जो है वो डायल कर लेना है, ठीक है, मतलब कि एंटर करना है नंबर। और इसके बाद आपको सबसे ऊपर ये क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का ये ऑप्शन है, इसे टैप कर लेना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड यहाँ पर आपको नाम यहाँ पे डाल देना है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने एंटर किया ना उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद आपको सबसे ऊपर ये सेव टू के सामने जो डिवाइस लिखा हुआ है, डिवाइस पे आपको टैप करना है। तो इसमें आपकी जो है जीमेल आईडी दिखाई देगी आपके फ़ोन की, तो जीमेल आईडी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो है जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद इसे सबसे ऊपर सेव का ये बटन है, सेव पे टैप कर देना है। तो आपका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपकी जीमेल आईडी में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक एक करके और भी कई सारे नंबरों को जो है अपनी जीमेल आईडी में सेव कर सकते हैं, ठीक है।